नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक, जहां आज भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा पेगासस जासूसी, जो कुछ दिनों से देश में हो रही पेगासस जासूसी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, और ये लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अपने साथ ही लोग पोस्टर्स लेकर आए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज ये लोग यहाँ पर आए हैं। समीर अंतर। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए? देश आजादी के लिए माले के पास तरफ से हम लोग आए हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे में जो हम लोग के साथ हो रहा है उसको बंद करे वो। आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हैं केंद्र सरकार द्वारा इजराइल का एनएसए कंपनी से जो चाहे वो सड़क की लड़ाई में हो, चाहे वो संसद का विधानसभा की लड़ाई, लोकसभा की लड़ाई। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ कार्यकर्ता भाकपा माले के मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर पेगासस जो जासूसी हो रही है उसे लेकर आज यहाँ पर ये लोग किन किन कारणों से, किन मुद्दों को लेकर आए हैं। ये मुद्दा है कि ये सरकार, केंद्र सरकार ने जो जासूसी करवा रहे, आपकी भी जासूसी करवा रहे, हमारे भी जासूसी करवा रहे, हर जगह जासूसी करवा रहे, उनके मंत्रिमंडल के जो उनके साथ है उनकी भी जासूसी करा रहे हैं। ये जासूसी सरकार जो 7 साल से आए हैं, इसे 2024 में उखाड़ फेंकने की जरूरत है, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय भी जासूसी किए थे, देश आज़ादी के बाद भी खुद जासूसी कर रहे हैं। इसे तोड़ने की जरूरत है, और ये संसद में भी बहस कराने की जरूरत है। वो संसद पर बहस नहीं होने देते हैं। जज की फोन टैपिंग की जासूसी होती है, मंत्रियों की जासूसी होती है, पत्रकारों की जासूसी होती है, तो किसके साथ वो है सरकार, ये बताने की जरूरत है। सिर्फ 4 जन देश को चला रहे, 2 खरीद रहे और 2 बेच रहे हैं। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि लगातार आए दिन देखा जा रहा है राज्य में जिस तरह से वकील हो या फिर जज हो, इनकी मौत हो रही है, हत्या कर दी जा रही है, इस पर क्या? ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है, और जिस तरह से जजों की तक की हत्या हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। झारखंड सरकार की, यहाँ की प्रशासन की जिम्मेवारी है इस पर सख्ती से रोक लगाए, और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में हम देख रहे हैं। आप दिल्ली में ही, दिल्ली की जनता अभी सड़कों पर है, एक 9 वर्षीय दलित बच्ची को जिस तरह से उसके साथ गैंग रेप की घटना हुई, परिवार के बिना सहमति से जिस तरह से उसको जला दिया गया, कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि वो जिंदा रहते हुए ही उसको जला दिया गया, तो ये जो हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं इस देश में, इन हृदय विदारक घटनाओं के खिलाफ में जनता इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सत्ता में बैठे लोग अगर इस तरह के आपराधिक शक्तियों पर नियंत्रण कायम नहीं करेंगे, उस पर अंकुश कायम नहीं करेंगे।